अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनावला भुट्टो। आज हम मैथमेटिक्स 113 में एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट सीरीज। अब इसमें एक सीरीज दी गई है, मिसाल के तौर पर 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन अप टू द इनफिनिटी। जब इनफिनिटी आ जाए और रेशो जो है टर्म्स के बीच में लेस देन 1 हो तो चीज स्मॉलर 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 और स्मॉलर होती जाती होती है, या मतलब नंबर्स जो है स्मॉलर होता जाता है इनफिनिटी तक। उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं s इज इक्वल टू a1/1 - r। r जो है वो रेशो है, a1 जो है वो पहली टर्म को इंडिकेट कर रही है। तो अब हमने ये जो सीरीज दी गई है 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 अप टू द इंफिनिटी, ये देखें 1/8 1/16 प्लस 1/32 ऐसे प्लस 1/64 एंड सो ऑन। मतलब कि जितना नंबर अपान में बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। अगर इस नंबर को हम इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं तो ये 0.0000 मतलब बिल्कुल छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा नंबर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर रेशो हमारा टर्म्स के बीच में लेस देन 1 होगा और सीरीज अप टू द इंफिनिटी होगी तो उसके लिए फार्मूला ये है। तो अब जैसे कि हमारे पास इस सीरीज में पहली रकम 1/8 है और रेशो हम सेकंड टर्म को पहली टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो रेशो हमारे पास 1/2 आ गया। और 1/2 यहाँ पर देखेंगे 1/2 जो है वो लेस देन 1 होता है, मतलब 1/2 को हाफ कहते हैं या लेस देन 1 कह सकते हैं। ओके, फॉर इनफिनाइट जीपी वी हैव अदर केस या सॉर्ट ऑफ द फार्मूला दैट इज आई हैव डिस्कस्ड नाउ। ये वही चीज मैंने लिखी है कि भाई कि अगर कोई ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और उसकी ऐसी सीरीज हो जिसका रेशो जो है वो मतलब के लेस देन 1 हो और सीरीज जो हो अप टू द इंफिनिटी हो तो उसके लिए फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब सम तो हो गया हमारा इंफिनिटी, तो एस इंफिनिटी लिखेंगे इज इक्वल टू ए की जगह पर 1/8 और ये जो अपान है ये हम सेम रखेंगे और 1 ये सेम रखेंगे, माइनस भी सेम रखेंगे, आर की जगह पर 1/2, ए की जगह पर उसकी वैल्यू और आर की जगह पर उसकी वैल्यू, 1/8 सेम रखेंगे और इस लाइन को हम इधर डिवीजन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये सारा जो है 1 - 1/2 डिवाइड कर रहा है 1/8 को, ताकि हमारे लिए आसानी हो। फिर 1 - 1/2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, वो हम एलसीएम के तौर पर हमने कर लिया। उसके बाद मैंने इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर किया तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 1 नीचे लिखे भी तो सेम बात है, अगर ना लिखे भी तो सेम बात है। अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चला गया और 8 अपान में है तो 2 का पड़ा 8 पर 4 मरतबा जाएगा, तो ये फाइनली जो सम बचेगा 1/4 बचेगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसी इनफिनाइट सीरीज जो है इसको हम सम कर रहे हैं तो हमारा जवाब आ रहा है 1/4, ठीक है। मैं फिर बताता चलू कि अगर ऐसी सीरीज जिसका रेशो लेस देन 1 हो और इन्फिनिटी तक हो तो उस सीरीज को हम सम इस फार्मूले के तहत कर सकते हैं, s इज इक्वल टू a अपान या a1/1 - r। फिर तो जाहिर है जो पहली रकम होगी वो a1 होगी और जो रेशो होगा टर्म्स के बीच में वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द सेकंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म। ओके, तो रेशो भी मिल सकता है, तो बस जस्ट इस फार्मूले में पुट करना है,
जहाँ पर एलसीएम होगा हम एलसीएम लेंगे, जहाँ पर डिवीजन होगा हम उस हिसाब से डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू हल करते हैं, एक्सरसाइज 2.7 का। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। पहले तो इनफिनाइट सीरीज और ज्योमेट्रिक भी लाजमी होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। तो उसमें से ये कहा गया है कि उसकी पहली रकम जो है वो 3 है और रेशो जो है वो 2/3 है। यहाँ पर सीरीज दी गई नहीं है, लेकिन सिर्फ डेटा दिया गया है सवाल में। और इनफिनाइट, ये एन शो कर रहा है कि भाई नंबर ऑफ टर्म जो है वो इनफिनाइट है, ठीक है, तो सम भी जाहिर है इनफिनाइट का ही होगा। फॉर द इनफिनाइट जीपी इफ आर इज लेस देन 1 वी हैव अ फार्मूला एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1-3 या ए 1/1-3। सो पुट द वैल्यूज ऑफ A and R, there will be 3/1-2/3. Now keep the 3 same, change this upon sign into the division. It will be most easy for us. I told you earlier. तो नीचे वाली terms का LCM लेंगे, ये हो जाएगा 3-2/3। ये 3 और डिवीजन से हम रखेंगे, उसके बाद 2 में 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा 1/3। सिमिलरली उसी तरह से इस डिवीजन को जो है हम फिर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, पहले डिवीजन में इनवर्स हो जाएगा। 3 3 9। जब हमने इस डेटा के मुताबिक एक सीरीज का सम किया तो हमारे पास उसका सम ये 9 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड नंबर है वो आप खुद करें, इसी तरीके से ही है, आसान ही है, ठीक है। फिर मैं बताता चलूं, सवाल किया गया है कि भाई फाइंड द सम ऑफ द इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज इसमें नहीं दी गई, जस्ट इसका डेटा दिया गया है, डेटा के हिसाब से हमने सम सीरीज का फाइंड करना है, जिसमें ए रकम हमारे पास 3 है, रेशो 2/3 है, ठीक है। और जब हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास सम ऑफ द सीरीज आया 9। दिस इज इट। सो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2, रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 1 and 2, यू मे आस्क द क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली थ्रू द जूम मीटिंग विच विल बी हेल्ड टुमारो एट 1 PM। काइंडली ज्वाइन द जूम मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। दिस इज इट फॉर नाउ।